हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, आज मेरे पास में एक वीवो का फ़ोन है, वीवो V15 Pro, और इसके अंदर प्रॉब्लम हमारी बैटरी कनेक्टर की है। ये देख सकते हैं आप, इसका बैटरी कनेक्टर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, टूट चुका है इधर से, और तो इस वजह से इसके अंदर बैटरी हमारी कनेक्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अब ये बैटरी जब इसके अंदर कनेक्ट नहीं हो रही है तो हमारा ये फ़ोन बिल्कुल डेड की कंडीशन में है। जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो हमारा फ़ोन ये ऑन भी नहीं होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका ये बैटरी कनेक्टर है, इसका चेंज करेंगे। ये बैटरी कनेक्टर इसके अंदर से निकालेंगे पहले, और फिर इस तरीके से नया कनेक्टर है मेरे पास में बैटरी का, ये हम कनेक्टर इसके अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी कनेक्टर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बोर्ड निकालना होगा। बोर्ड निकाल के ही काम करेंगे, क्योंकि नीचे डिस्प्ले होती है, हीट वगैरह लगेगी, डिस्प्ले में फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप बोर्ड को बाहर निकालेंगे। तो मैं बोर्ड बाहर निकाल लेता हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए, ये मैंने ये बोर्ड निकाल लिया है, और अब मैं इसका कनेक्टर निकालूंगा। और दोस्तों, इसका कनेक्टर बड़े ध्यान से निकालना होता है, क्योंकि इसकी बराबर में हमारा चार्जिंग बोर्ड का कनेक्टर है, वो लगा हुआ है, वो ख़राब नहीं हो जाए। तो इसलिए हम इस पर क्या करेंगे, ये इस तरीके का हमारे पास में सिल्वर टेप होता है, तो हम इसको सिल्वर टेप से कवर कर देंगे, ताकि हमारा जो चार्जिंग बोर्ड का जो कनेक्टर है वो हमारा ख़राब ना हो। ये इस तरीके से देखिए, इसके अंदर फिक्स कर लेता हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं। और अब मैं इस पर थोड़ी सी हीट लगाकर और इस बैटरी कनेक्टर को इसमें से निकालूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बैटरी कनेक्टर इसका निकाल दिया है, और मैं आपको बराबर में से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ये जैक भी बिल्कुल प्रॉपर सही है। और अब मैं इसको क्लीन करूँगा थोड़ा सा, और क्लीन करने के बाद में इस पर दूसरा कनेक्टर लगाऊँगा। और दूसरा कनेक्टर लगाने के लिए दोस्तों, आप ये वीडियो को देखते रहें, मैं किस तरीके से कनेक्टर लगाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही बारीक कनेक्टर होता है, और बारीक कनेक्टर होने के साथ साथ इसके अंदर कनेक्टर जलने का भी खतरा होता है। कनेक्टर जले नहीं, इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जल जाएगा, लगेगा नहीं तो आपके किस काम का, बेकार हो जाएगा। बैटरी कनेक्टर लगाने के लिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हीट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा पहले हीट कर लेते हैं, और हीट करने के बाद जब ये हीट हो जाएगा दोस्तों थोड़ा सा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर बैटरी कनेक्टर रख देंगे, और थोड़ा सा हीट हम साइड में देंगे। फिर तो ये देखिए, इसके अंदर ये जैक लग चुका है, और अभी हम इसको बिल्कुल पूरा ट्रेस करेंगे कि सारे पॉइंट इसके लगे हैं या नहीं। तो
तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा आयरन से शोल्डिंग करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इसमें से निकाल लेते हैं, ये मैंने इसमें से निकाला। और यहाँ पर हम अब हमें हीट लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसका जो हमने टेप लगाया था इस पर सिल्वर टेप, वो हम इसमें से निकाल देते हैं। और थोड़ा सा इसको, ये प्रॉपर हमारा लग चुका है जैक, और अब हम इसको लगा कर चेक करेंगे फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं। तो अब मैं इसके अंदर लगा के चेक करता हूँ बैटरी को कि ये बैटरी हमारी काम करती है इसमें या नहीं, लगती है या नहीं। ये मैंने, ये देखिए बैटरी इसके अंदर लग चुकी है, जो मैंने बोर्ड चेंज किया है, बोर्ड का जैक चेंज किया है। और अब हम इसको ऑन करेंगे फ़ोन को, ये ऑन हो चुका है। और दोस्तों देखिए इसमें चार्जिंग लो है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।